गाइस कैसे आप लोग, मुझे लगता है एकदम झकास होंगे। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। तो अभी मैं इस वक्त हूँ छतरपुर बस स्टैंड, और इस बस स्टैंड पर आज मैं दिखाता हूँ आपको कौन कौन सी बस यहाँ से रवाना होती है। और आप लोग बागेश्वर धाम आएंगे तो छतरपुर स्टेशन मतलब रेलवे स्टेशन पर भी उतर जाएंगे तो भी आपको बागेश्वर धाम पहुँच जाएंगे आप 50 रुपये में, और बस स्टैंड आएंगे तो भी आप पहुँच जाएंगे। तो चलिए अपन शुरू करते हैं कि यहाँ से कौन कौन सी बसें जाती हैं। तो सोचा आप लोगों को ये तो बता दूँ, कौन से आसपास के छतरपुर वाले लोग देख लेंगे अपना वीडियो, या बाहर के बाहर भी व्यक्ति आ रहे हो छतरपुर वो भी देख लेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ छतरपुर बस स्टैंड। तो ये है छतरपुर बस स्टैंड। मुझे ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि हर जगह की बस यहाँ से मिलती है। सबसे पहले मुझे बस दिख गई है उत्तर प्रदेश दिल्ली, सतना, पन्ना, बमीठा, चंद्रनगर, खजुराहो, मातगुआ, बिजाबर। आपको बीच में बताऊँ, कुछ खाना वगैरह चाट पट खाना हो तो भी मिल जाएगा आपको, 20 रुपये का चाट मिल जाएगा आप लोगों को। पानी वानी की बॉटल ख़रीदना हो तो मिल जाएगी, नॉर्मल पानी की बॉटल 20 रुपये की। छतरपुर, बमनोरा, गुवारा, भगवा, गुवारा, भगवा, गुलगंज, ये शहर आसपास के ही इलाके। तो ये है पूरा छतरपुर का बस स्टैंड, ठीक है। अब शुरू करते हैं अपन यहाँ से कहाँ कहाँ तक की बस जाती है, और किराया हो सकेगा तो किराया भी पूछ लेंगे अपन, बस कंडक्टरों से पूछेंगे। सबसे पहले अपन को देखिए ये टीकमगढ़, मातगुआ, गुलगंज, बांधवे। तो टीकमगढ़ का किराया सबसे पहले 130 रुपये है, और कितनी मतलब धरपुर से टीकमगढ़ का रास्ता है बस से 3 घंटे का रास्ता है, मतलब 2.5 घंटे से 3 घंटे में आपको पहुंचा देगी टीकमगढ़। मातगुआ पहले पड़ती है, मातगुआ का क्या किराया? मातगुआ 20 रुपये। 20 रुपये जी हाँ, यहाँ छतरपुर से 20 रुपये। और गुलगंज 35 रुपये। 35 रुपये गुलगंज। और ये क्या है? 50 रुपये। 50 रुपये वो बलदेवगढ़ 100 रुपये। मतलब 80-90-100 मतलब क्या होगा 100 रुपये, ठीक है। ये सब है ना लोकल एरिया है छतरपुर के, छतरपुर से कटारा, सटई, बहरा। तो वैसे यहाँ से जबलपुर, कटनी, नागपुर, सिवनी सब मिल जाएगी। सबसे पहले अपन देखते हैं नागपुर, सिवनी, जबलपुर, कटनी, पन्ना, छतरपुर। छतरपुर से रवाना होगी ये, तो अपन पूछते हैं रेट। तो नागपुर का किराया कितना है? 750 रुपये सीट, 850 रुपये स्लीपर। 850 स्लीपर। और शिवनी? 650 रुपये सीट, 750। 650 सीट है और 750 स्लीपर है। और जबलपुर? 400 रुपये सीट, 450 रुपये स्लीपर। और कटनी? कटनी और पन्ना? कटनी पन्ना लोकल किराया, लोकल किराया नहीं होता। तो बिठाते ही नहीं हो क्या लोकल? तो क्या किराया रहता है फिर भी? नॉर्मल रहता होगा, जितना रहता होगा जितना कंडक्टर बनाते। अच्छा, कंडक्टर बनाते हैं आप तो, ये दूर दूर के काटते हैं ना स्लिप। अच्छा, तो गाइस अगर आप लोगों को जाना है नागपुर, सिवनी, जबलपुर, कटनी, पन्ना तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। तो भाई साहब किराया वगैरह बता दिया है, बस का नाम भी बता दिया अपन ने। ये बस अभी शाम को 5 बजे निकल जाएगी। नागपुर कितनी देर में पहुँचा देगी? 14 घंटे लगते हैं। और जबलपुर के? 7 घंटे में पहुंचा देगी। अच्छा, अगर आप लोगों को कुछ ख़रीदारी करनी है, बैग वैग ख़रीदना है तो दुकानें हैं उसकी, और कुछ खाना वाना भी है, कुछ फल फूल लेना है तो फल वगैरह मिल जाएंगे आप लोगों को। और आइए देखते हैं मेरे शहर की बस छतरपुर से इंदौर, राधे राधे, ठीक है। तो गाइस इन्होंने मुझे कहा है कि इंदौर तक का 800 रुपये स्लीपर है और सीट है 700 रुपये, ठीक है। तो आइए यहाँ से पूछते हैं दिल्ली तक का किराया कितना है। तो फाइनली अपन ने दिल्ली, गाइस दिल्ली तक का रोडवेज का किराया उन्होंने बताया मुझे 816 रुपये लगता है, ठीक है, वो सीट का, बैठने का, ठीक है। और अगर आप लोगों को एसी वगैरह में जाना है तो 1200-1000 रुपये भी हो जाता है, 900 भी हो जाता है, जैसे कि ऑनलाइन टिकट मिलती है। ये रोडवेज की बस चलती है दिल्ली की, तो आप लोगों को इतना सस्ता मिल जाएगा दिल्ली तक का। और भी बहुत सारी बसें जाती है, अपन और भी देखते हैं। हम जा रहे हैं इंदौर इस बस से, खुशबू से, जो कि हमारी टिकट आई है 750 रुपये की, ठीक है। और ये हमको सुबह पहुंचा देगी, सुबह 6 बजे, 5 बजे यहाँ से चलेगी सीधी। तो बेढ़न सीधी तक का किराया 400 है, और सतना का किराया 200 रुपये है।
ठीक है, और बेड़न का किराया है 550 रुपये। ये छतरपुर से आपको सीधी पहुंच जाएगी 2 बजे और बेड़न पहुंच जाएगी सुबह 5 बजे। मैंने ट्रेन में इस जगह का नाम सुना था ईशानगर का, ठीक है, ईशानगर का किराया पूछ तो गाइस ईशानगर का किराया मात्र 40 रुपये, 1 घंटे में पहुंच जाते हैं यहाँ से। गाइस कोटरा जाती है 60 रुपये में, आपको कितने 2 घंटे 2-2.5 घंटे में पहुंचा देगी कोटरा, और ईशानगर आपको 1 घंटे में पहुंचा देगी, है ना। तो ये लोकल एरिया है गाइस, मैं आपको लोगों को बता दें। और ये झांसी, और गाइस अगर आपको झांसी वगैरह या झांसी की भी बसें 180 रुपये में मात्र झांसी पहुंच जाओगे आप, और खजुराहो तो पास में ही है, तो ये बस से भी जाती है क्या खजुराहो? अच्छा खजुराहो से अभी आई है बस, है ना, अभी झांसी जाएगी 180 रुपये। झांसी कितनी देर में पहुंच जाती है ये? 2-2.5 घंटे लगता है, है ना, 3 घंटे मान लो, 3 घंटे में पहुंचा देती है ये। तो यहाँ से काफ़ी सारी बस जाती है, दिल्ली की भी जाती है, इंदौर की भी जाती है, झांसी, सतना, सीधी, रीवा, ठीक है, ग्वालियर। ग्वालियर के लिए 350 रुपये आपको किराया लगेगा, और ये झांसी तक ले जाएगी बस, और झांसी से फिर ग्वालियर। तो यहाँ से आप लोगों को अगर कहीं लोकल वगैरह जाना है तो ऑटो वगैरह है, ऑटो से आप जा सकते हैं, पास में पेट्रोल पम्प है, ठीक है, और खाने वाने की भी सुविधा है। शौचालय के लिए यहाँ पर शौचालय बना हुआ है, ठीक है, सरकारी, और खाने के लिए आप लोगों को होटल वगैरह मिल जाएगी। और मैंने यहाँ पर एक सुना है बहुत ही जटाशंकर, जो कि उस तरफ सामने की तरफ जटाशंकर है, वहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है और सस्ता ही मिलता है, और तो काफ़ी लोगों के मुँह से जटाशंकर के नाम से सुना है मुँह से कि यार वहाँ पर खाना बहुत अच्छा मिलता है। बाकी वैसे हर जगह अच्छा मिलता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप सामने भी खा सकते हैं कहीं पर भी, ठीक है, बट आपको कहीं जाना हो लोकल वगैरह तो ऑटो ले सकते हैं, और होटल वगैरह भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। अगर बागेश्वर धाम आ रहे हैं और आप रुकना चाहते हैं छतरपुर, तो आप होटल वगैरह, बकायदा होटल, धर्मशाला वगैरह भी है, तो ले सकते हैं एसी, नॉन एसी रूम। छतरपुर बस स्टेशन भी अच्छा खासा है, बड़ा है, और आसपास एरिए के लिए भी बस वगैरह अवेलेबल है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, पर सारी बसों का मैं एग्जैक्ट आपको किराया नहीं बता पा रहा हूँ, पर फिर भी मैंने जितना बताया उतना तो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ, और छतरपुर बस स्टैंड का मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी ब्लॉग बनाऊँगा आप लोगों के लिए, ठीक है, मैं आया तो मैंने सोचा कि आप बना दीजिए, और बाकायदा आपको प्राइस भी बताई, इंदौर, जबलपुर, झांसी, ग्वालियर, ईशानगर, और नागपुर, जबलपुर, शिवनी, और भी जगह की शायद मैंने आप लोगों को बताई है। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करिएगा। तो चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और हमारी बस ये है, इंदौर हम जा रहे हैं, 750-700 रुपये किराया है, और खुशबू ट्रेवल्स, अगर आप लोग भी इससे जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। ये अभी नॉन एसी है, एसी भी चलेगी इनकी, इन्होंने बताया हमको, ठीक है। इसकी कहाँ कहाँ जाती है बस? तो गाइस खुशबू ट्रेवल्स, ये इन्हीं भैया से अपन ने टिकट बुक करवाई है। तो भैया इंदौर तक का किराया कितना? इंदौर तक का किराया है सीट का 650 रुपये, साढ़े पेपर का 750, 750 रुपये, और इंदौर कब पहुंचा देगी सुबह? अब हम ये इंदौर पहुंच जाएंगे अपन लोग सुबह 5:30 से 6 के बीच में पहुँच, मतलब 6 बजे हमारी पहुँचती है ना, सरवटे उतारती है, झाबुआ टावर उतारेगी, है ना। और भोपाल का किराया क्या है? भोपाल का 500 रुपये सीट का है, और 600 रुपये का स्लीपर है, 600 रुपये स्लीपर है, तो भोपाल तो और जल्दी पहुंचा देगी, 2-2.5 बजे करीब, 2-2.5 बजे भोपाल पहुंचा देगी, ठीक है। और सागर? सागर पहुंचेंगे हम लोग 9:30 पहुंच जाते हैं, 9:30-10 के बीच में, आप 4-5 घंटे का रास्ता है सागर तक, है ना, ठीक है। तो आपका कार्ड है क्या जेब में? इस इनका कार्ड है, बाकायदा आप फ़ोन भी कर सकते हैं, बुक भी करवा सकते हैं, इंदौर से अगर छतरपुर आ रहे हैं, भोपाल आ रहे हैं, सागर आ रहे हैं, तो करवा सकते हैं, और आप इस नंबर पर बाकायदा आप कॉल कर सकते हैं। छतरपुर से दिल्ली बस सर्विस एसी, स्लीपर क्लास, लगेज पार्सल की उत्तम व्यवस्था, वाया झांसी, ग्वालियर, आगरा, मथुरा, नोएडा होते हुए कश्मीरी गेट, नई दिल्ली, छतरपुर से भोपाल, इंदौर, कानपुर, लखनऊ, आपको सारी बसें मिल जाएगी गाइज, पंजाब होटल के बगल में, बस स्टैंड नंबर 1। तो आप लोग छतरपुर आए, कोई सी बस में बैठे, मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो अपने चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, और आप लोग आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो मैं जहाँ भी जाऊँगा तो आप लोगों को जानकारी ज़रूर दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, बाय, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।